घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से श्रम कार्ड कैसे बनाएं, इसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसमें गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और इसको सर्च कर लेना है। फर्स्ट में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। होम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो काम कर रहा है, तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ई श्रम की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आधार से लिंक हो। यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नो रहने देना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ओटीपी आपके फ़ोन पे आ जाएगा, जो भी आपने नंबर डाला था जो आधार से लिंक था उस पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपको उस ओटीपी को डाल देना है, तो मैं अभी वेट कर लेता हूँ। तो ओटीपी मैंने डाल दिया है। इसके बाद सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, या आप जिसका भी ई श्रम कार्ड बना रहे हो उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आपको और कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी देख लेता हूँ अपने फ़ोन में और यहाँ पे ओटीपी जो है फिल कर देता हूँ। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मैं यहाँ पे ओटीपी इसमें डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आपका एड्रेस, नाम, मेल, फीमेल जो भी है सब कुछ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हो। इसके बाद आपको फादर नेम, यहाँ पे आपकी कैटेगरी डल जाएगी। आप चाहो तो नीचे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप, आपके पास अगर है ब्लड ग्रुप की जानकारी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आप डेफिशिएंसी डाल सकते हो। इसमें आपके हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आप नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर डाल देता हूँ। नॉमिनी की आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसके बाद आपको वैलिड डेट आगे चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट से हो। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे रूरल, अर्बन, आप किस क्षेत्र से हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर नहीं है तो आप जीरो भी इसके अंदर डाल सकते हो। लोकेलिटी आपको डाल देना है, आपके गाँव का नाम जो भी हो आप यहाँ पर डाल दें। यहाँ पे आपको फिर से स्टेट का ऑप्शन नज़र आएगा, स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है अपना। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट तहसील का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे जो है आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसमें आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आप इस जगह पे कितने समय से रह रहे हो वो आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आगे चले जाता हो। अब आपके सामने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। जो भी आपने पढ़ाई की हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, जो भी आप चाहो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना इनकम स्लैब डाल सकते हो, आपकी इनकम कितनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे चले जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन डिटेल्स आपको भरनी है, आप क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक PDF दी हुई है, वहाँ से आप यहाँ पे
सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का आपको कोड डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख लें आप किस कैटेगरी का जॉब करते हो, उसका कोड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आप जो भी जॉब करते हो, जो भी काम करते हो आप, वो यहाँ से आपको इसमें सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ से अब डाल देता हूँ कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, ये आपको यहाँ पे मांगेगा, आप यहाँ से डाल दें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन को चूज करना है आपको यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो बाकी को आपको छोड़ देना, और यहाँ पे आपको आपने कोई ट्रेनिंग ली है इसके लिए, कुछ आपसे पूछेगा जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दें। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डाल देता हूँ। तो अभी मेरा ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी यहाँ पे आगे क्लिक कर दूंगा। अभी इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर फर्स्ट टाइम डालोगे तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब सेकंड ऑप्शन में मैं जैसे ही अकाउंट नंबर डालूँगा यहाँ पे अकाउंट नंबर शो कर जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम पे भी ये अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे नेम जो है फिल कर लिया है मैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर पहले पेज पे आईएफएससी कोड लिखा होगा, वहाँ से देख के आप आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो आईएफएससी कोड। आपकी ब्रांच का नाम आप जैसे ही सर्च करोगे आईएफएससी कोड डाल के, तो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दिया है। अभी आपको नीचे वाले ऑप्शन में ब्रांच सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफाइड पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने आपने जो भी डिटेल्स भरी है सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अभी अगर इसमें आपको कुछ भी गलती नज़र आ रही है तो आप उसको यहाँ पे एडिट करके ठीक भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपने सही सही भर दी है तो आप इसको आगे जा सकते हो। तो मैं अभी इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, आपने जो भी भरा था, आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल्स, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, अकाउंट डिटेल्स, आप यहाँ से एक बार चेक कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका ई श्रम कार्ड आ जाएगा, इसके बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हो। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, यह डाउनलोड हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आप अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से घर बैठे ई श्रम कार्ड बना सकते हो, बिना किसी दुकान पे जाए, बिना एक भी रुपया दिए। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।